बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर प्रशासन की लापरवाही लगातार जारी है और लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके लिए प्रशासन की टीम द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मालवा मेल चौराहे पर लगे ठेले वालों को हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर जो हुआ उसे देखकर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल जब नगर निगम की टीम ठेले वालों को हटाने पहुंची तब वहां एक ठेला संचालक, जिनका नाम डॉक्टर रईसा है, उनकी फराटेदार अंग्रेजी सुनकर नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों के होश उड़ गए। जब नगर निगम वालों ने उन्हें अपना ठेला हटाने के लिए कहा तब ठेला संचालक डॉक्टर रईसा ने एक के बाद एक सवाल किए और कहा कि कभी लेफ्ट, कभी राइट या कभी कुछ और, हम क्या करें, कलेक्टर और प्रधानमंत्री के घर जाकर मर जाएं या फिर नगर निगम के गले पड़े, आमदनी नहीं है, सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं, अब क्या मर जाएं। ठेला संचालक डॉक्टर रईसा की बातें सुनकर निगम कर्मचारियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आपको बता दें कि फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली ये महिला, जिनका नाम डॉक्टर रईसा है, इन्होंने DAVV से मटेरियल साइंस में MSc और PhD की है। नौकरी न मिल पाने की वजह से अपने पिता का पुश्तैनी काम कर रही हैं। पिता 75 साल के हो गए हैं और 65 साल से कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा का कहना है कि कोई अचानक आकर उन्हें कैसे भगा सकता है, कभी कुछ बताते हैं और कभी कुछ बताते हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं। हर सब्जी वाले के परिवार में 20 से 25 लोग हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, कई दिनों से पानी पीकर सो रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही, अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं। महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी फराटेदार अंग्रेजी की भूरी भूरी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and Modi and Nagar Nigam? We will not stay and run our hand card on the road. How it is possible? Or we are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam says to very bad here. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will add to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables. Then how we will survive our family? How we will give our children? What? हम जहर खा लें या मर जाए, या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए, या मोदी के यहाँ जाके मर जाए, या इस नगर निगम के गले पड़ जाए, किसके गले पड़े? Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.